सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी चैनल में। और ये है चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हम कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे। सो अगर आपने मेरे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस देखी हैं, तो चैप्टर 1 में मैंने यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया था और चैप्टर 2 में मैंने एडिट मोड वगैरह एंड कुछ टूल्स के बारे में बताया था कि हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट तक मेरे को याद है कि हमने इंसर्ट फेस तक कर दिया था। सो अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं बेवल के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेवल टूल कैसे यूज़ होता है। सो मैं एक बार आपका अपना शॉर्टकट वीआर खोल लूँ ताकि आप मेरे यहाँ शॉर्टकट की देख लें मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो बेवल टूल बेसिकली क्या होता है, मैं अभी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ही बताऊँगा क्योंकि हमारे पास एक मॉडिफायर है, यहाँ से हमारे मॉडिफायर मिलते हैं। सो यहाँ भी हमारे पास एक बेवल टूल है। सो इसकी सेटिंग्स और इसकी सेटिंग्स फ़िलहाल सेम ही होती हैं, कुछ बहुत चेंजेस हैं, मैं कहूँगा तो शायद कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके, सो हम इसके बारे में डीपली तब जानेंगे जब हम मॉडिफाई करेंगे, पर अभी मैं आपको बेसिक बता दूंगा कि जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बेवल कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हम सबसे पहले बात करते हैं बेवल टूल की। सो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक गिज़्मो आ जाता है। सो जैसे ही मैं इस गिज़्मो को ऊपर नीचे करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेसेस सब डिवाइड हो रहे हैं और उसके कॉर्नर से एक शार्प एजेस बन रहे हैं। ओके, सो जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो हमारे पास नीचे एक कॉर्नर में एक सेटिंग आ जाती है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये और वो एकदम दोनों सेम ही है। पर मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता दूंगा ताकि आप अपने चीज़ों में बेवल डाल सकें। बेवल बेसिकली एज को स्मूथ करने के लिए होता है विदाउट किसी ज्योमेट्री के। ओके, सो अगर आपको किसी चीज़ में इल्यूज़न देना है कि वो उसके कॉर्नर्स थोड़े से स्मूथ हैं तो हम उसके लिए बेवल यूज़ करते हैं, बट कभी कभी हम उसे अप्लाई भी कर देते हैं। ओके, अप्लाई इन द सेंस कि हम उस इल्यूज़न को, मतलब अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जो हमारा बेवल यूज़ हो रहा है ये हो रहा है एकदम डायरेक्ट अप्लाई। ओके, डायरेक्ट अप्लाई इन द सेंस कि अगर मान लो मैंने इसमें सेगमेंट्स बढ़ाए कुछ ऐसे, ओके थोड़ी बहुत प्रोफाइल बढ़ा दी और जब मैंने यहाँ पे क्लिक छोड़ दिया तो अब हमारा ये रियल मैश बन गया, मतलब अब हम इन वर्टिसेस को भी एडिट कर सकते हैं, आप देखिए। ठीक है, पर जो मॉडिफायर होता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे मॉडिफायर यूज़ करूँ बेवल का, सो और मैं सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँ तो आप यहाँ देखिए किया इसने भी सेम चीज़ वही है, पर हमारे पास हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है तो हम एक इल्यूज़न क्रिएट कर देते हैं इस मॉडिफायर से। ओके, सो इसीलिए यूजरी लोग यहाँ से इसको यूज़ करते हैं और मैं भी यहीं से यूज़ करता हूँ और आप सभी भी यहीं से यूज़ करिएगा, पर वहाँ पर एक ऑप्शन है तो मैं आपको वो इसलिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक गिज़्मो आ गया जिससे हम उसको थोड़ा सा उसके एजेस को स्प्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि ऑफसेट। ऑफसेट क्या काम करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसमें थोड़ा बहुत सेगमेंट बढ़ाए तो आप भी आपका हमारा ऑफसेट देख सकते हैं कि 0.176 है, तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये और स्मूथ होते चले जाएगा और एक टाइम पे ये एकदम स्पेयर बन जाएगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। सो और जैसे ही मैं ऑफसेट कम करूँगा तो ये इसके एजेस एकदम अंदर को शार्प हो जाएंगे। ओके, सो अब आती है प्रोफाइल की बात। सो ऑफसेट तो आपने देख लिया, चीज़ को स्मूथ और शार्प करने के लिए यहाँ से, मतलब एजेस को, जो हमारे एजेस हैं उनको पास लाने के लिए या फिर दूर करने के लिए यहाँ से हम अपनी स्मूथनेस डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं प्रोफाइल की। सो प्रोफाइल क्या होती है कि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शार्प कर देता है, मतलब पूरे ही पूरे एजेस को वो एकदम स्ट्रेट कर देता है। और अगर मैं इसको इसी को नेगेटिव लेके जाऊं, सो आप यहाँ देखिए एक बहुत अच्छी शेप बना देता है, ये देखिए। तो प्रोफाइल बेसिकली उन एजेस की आप कह सकते हो शार्पनेस को डिफाइन करता है और बेसिकली उनकी प्रोफाइल को डिफाइन करता है कि वो कहाँ तक, कितने तक मुड़ेंगे, वहाँ कहाँ पे वो स्मूथ दिखेगा, कहाँ पे वो एकदम शार्प दिखेगा, कहाँ पर वो पिंच दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी बना सकते हैं हम इससे अगर हम बनाना चाहें तो। ओके, सो और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है बहुत अच्छा ऑप्शन जिसे हम कहते हैं ओनली वर्टेक्स ओनली। तो जैसे ही हम वर्टेक्स ओनली करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं ऑफसेट को बढ़ाऊँ तो यहाँ देखिए अब से हमारे वर्टेसेस ही बेवल होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि कई कई बार हमें ऐसा इफेक्ट लाने के लिए हमको बुलियन करना पड़ता है, पर अब ये ब्लेंडर में अवेलेबल है कि हम
से वर्टेक्स को भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा इफेक्ट लाने के लिए बुलियन यूज़ करते हैं। सो बुलियन क्या चीज़ होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली शेप्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके सो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसमें हम सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं जिससे हमारी स्मूथनेस डिफाइन होती है, और ये हमारा ऑफसेट है, ये एजेस की शार्पनेस और स्मूथनेस को डिफाइन करता है, और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि उनकी प्रोफाइल को वो कहाँ पे वो पॉइंट आउट होंगे, कहाँ पे वो पोजीशन उनकी सेट होगी, उनके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, सो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा बेबल के बारे में। ज़्यादा इसके बारे में हम तब जानेंगे जब हम अपने मॉडिफायर में आ जाएंगे। ओके, उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आप एक बेबल से बहुत अच्छे अच्छे मॉडल को एक अच्छा लुक दे सकते हो, अच्छी फिनिशिंग दे सकते हो। तो वो हम बात करेंगे उस टाइम पे। सो अभी के लिए बेबल सिर्फ इतना ही कि हम चीज़ों में स्मूथनेस देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर ऐड किया। ओके, और अभी मुझे आपको ये भी सब बताना है ये सब क्या चीज़ है, तो आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले ये सब क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं टूल्स बताऊँगा, क्योंकि आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक क्यूब पे ही काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको ये सब बताऊँगा क्या क्या चीज़ है। ओके, सो जब अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एड मेन्यू बताऊँगा थोड़ा बहुत, फिर हम थोड़ा कर्व के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर जैसे हम इनमें जाएंगे तो हम जब एडिट मोड में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं। ये सब के अपने अलग अलग हैं, एच के अपने अलग हैं, वर्टेक्स के अपने अलग हैं, फेस के अपने अलग अलग हैं, तो हम इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप उसे पूरा देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया और मैंने उसको बेवल किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बेवल हो गया, और मैंने इसको थोड़ा सा सेगमेंट दे दिए ऐसे कुछ। तो आप देख सकते हैं ये स्मूथनेस करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वहाँ पे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हैंडी रहता है, हम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं रेदर देन कि हम यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो बेबल हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा है लूप कट। सो लूप कट क्या होता है बेसिकली? लूप कट किसी भी ज्योमेट्री में एक्स्ट्रा लूप डालने के लिए होता है। लूप मतलब एज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, तो ऐसे ही अगर हमको उसमें और एक्स्ट्रा एज डालने, क्यों डालने होते हैं हमें एक्स्ट्रा एज? कि हम शेप को ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर इसको लाऊंगा, यहाँ पर हमको एक एज का एक ऑप्शन आ जाएगा। हम देखिए एक एज बना हुआ आ रहा है, हमको ये कहाँ चाहिए ये हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, हमें यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, और जैसे ही हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, यहाँ पर आता है नंबर ऑफ़ कट्स, तो हमें कितने नंबर ऑफ़ कट चाहिए, सो मान लीजिए हमें 8 चाहिए। ठीक है, फिर आती है स्मूथनेस। स्मूथनेस मैं भी बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो बेसिकली ये है नंबर ऑफ़ कट्स यहाँ पे, सो यही हमें कट यहाँ भी चाहिए, तो हमने यहाँ भी नंबर ऑफ़ 8 दे दिए। ठीक है, हमें यहाँ भी चाहिए, तो हमने यहाँ भी नंबर ऑफ़ 8 दे दिए। ओके, सो जैसे आपने देखा, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्सट्रूड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने फेस पर क्लिक किया, 3 दबाया, और हमें कुछ फेसेस एक्सट्रूड करने हैं। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फेसेस हो गए हैं एक्सट्रूड करने के लिए, तो हम उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम एज तब लगाते हैं जब हमको एक्स्ट्रा शेप्स को शेप में एक्स्ट्रा डिटेलिंग देनी हो। ओके, तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इस बार मैं सिलेंडर ले रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो हम एडिट मोड में गए, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसको स्केल किया लाइक दैट। सो इस बार हम इसको ना सेलेक्ट करके हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो लूप कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। सो जैसे ही मैंने कंट्रोल आर किया, हमारे पास एक रिंग आ गया एज का, जैसे पहले आ रहा था, पर अब हमको हमारे पास यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एजेस का डायलॉग बॉक्स नहीं मिल रहा। तो हम कैसे नंबर ऑफ एजेस डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस खाली जो आपका माउस का मिडल स्क्रॉल है उसको ऊपर नीचे करिए, तो उससे आपका ये नंबर ऑफ एजेस यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये इनफ लग रहा है, इतने नंबर ऑफ एजेस काफ़ी हैं, तो बस आपको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आपके पास ऑफसेट का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर नीचे, कि आपको मिडिल में चाहिए, सेंटर में चाहिए, कहाँ चाहिए। तो आप जस्ट राइट क्लिक दबाइए तो एकदम सेंटर पर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर हम मैनुअली भी सेट कर सकते हैं हमें कितना चाहिए। ठीक है, ये होती है स्मूथनेस बेसिकली। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये स्मूथनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो अगर ये ज़ीरो पर रहेगी तो एकदम नॉर्मल रहेगी, अगर मैं थोड़ा सा उसको आगे कर दूँ तो ये देखिए कितना अच्छा कर्व बन रहा है यहाँ पे। मतलब हमें कोई भी अगर ऐसी शेप बना रही तो हम इससे आराम से बना सकते हैं।
वैसे ही हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो ये होती है स्मूथनेस, ठीक है, आप देख सकते हैं ये डबल स्मूथ भी हो रहा है, ट्रिपल भी हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द स्मूथनेस बेसिकली। और ये जो स्मूथनेस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ ऐसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल ऑफ है, तो यहाँ पर अभी है ये इनवर्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करके स्पेरिकल करूँगा, अभी थोड़ा स्पेरिकल हो गया, जैसे ही मैं इसको थोड़ा रूट करूँगा तो यहाँ देखिए हल्का सा रूट हो गया। तो ये फॉल ऑफ के कुछ वो हैं, जैसे यहाँ पर शार्प एस था, ये शार्प एस की तरह हो गया। तो ये कुछ फॉल ऑफ्स हैं जो इनबिल्ड हैं पहले से ही, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ओके। और ये फैक्टर, फैक्टर बेसिकली पूरे एजेस को एक साथ ऑफसेट देने के लिए होता है कि आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सो हम एक साथ सारे एजेस को ऑफसेट कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। एंड दीज आर द ऑप्शंस, इवन फ्लिप्स, ये सब मैं आपको आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ओके। और तो आई थिंक आप ये समझ गए कि कैसे हम किसी भी उसमें लूप डाल सकते हैं, लूप कट डाल सकते हैं। और आपको मैं एक नया ऑप्शन भी बताऊंगा आज कि हम बिना लूप कट यूज़ करे भी हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट में लूप्स डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक बॉक्स लिया, एडिट मोड में गया, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आता है सब डिवाइड का। तो जैसे ही मैंने सब डिवाइड पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास फिर सेम अब कुछ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 10 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से भी हम अपने बॉक्स को सब डिवाइड कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड कर सकते हैं। ये सब मैं तब बताऊंगा जब हम यहाँ पे सब डिवाइड सरफेस का टूल करेंगे, तब हम आपको समझाएंगे, ओके गाइस। तो आई थिंक ये आप समझ गए कैसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो हमारे पास नेक्स्ट टूल है, वो है ऑफसेट लूप टूल। सो ऑफसेट लूप टूल इज़ नॉट अ बिग डील आई थिंक, ये एक साथ सारे लूप को ऑफसेट करने के लिए होता है, तो आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और होगा तो मैं आपको आके समझा दूंगा। तो हम बात करते हैं नाइफ टूल के बारे में। सो नाइफ टूल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक फिर से क्यूब लूँगा, ओके। एंड जैसे ही मैं एडिट मोड में गया, प्रेसिंग दी टैब, सो यहाँ पे हमें, अभी हमने बात की थी लूप कट के बारे में, अब हम बात करेंगे नाइफ, ओके। इसके अंदर भी दो हैं, एक नाइफ है, एक बाइसेट है, सो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ओके। आई थिंक उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा मैंने आपको बताया भी पहले भी, कि हम थोड़ा सा कुछ और टूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ इन टूल के बारे में बात करेंगे। सो चलिए, सो अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाइफ टूल के बारे में। सो नाइफ टूल क्या होता है बेसिकली, बेसिकली नाइफ टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए होता है, उसका नाम ही है नाइफ टूल। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है के, ओके। सो जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे मैं फ्रंट व्यू में गया, प्रेसिंग दी दैट एसेंट ग्रेव, ओके, जो टैप के ऊपर की होती है, ओके, उस पर मैंने क्लिक करके यहाँ पे मैं गया, और जैसे ही मैं उसको ऐसे वर्टेक्स के पास लेके जाऊँगा, आप यहाँ देखेंगे तो ये स्नैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ देखिए आप, अब ये देखो पूरे एज पे ये स्नैपिंग कर रहा है ऑटोमेटिक, इसमें ये ऑटो स्नैपिंग ऑन रहती है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं इसके एंड पे क्लिक किया, इसने यहाँ ऑटोमेटिक नियरेस्टिक वर्टेक्स पकड़ लिया। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करके मैंने इस पर एंटर किया, तो अब यहाँ पर हमारा ये जो एक फेस था वो अब दो फेस में डिवाइड हो गया है। जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको दिखाऊँ, तो अब एक फेस ये, एक फेस ये, अभी ऐसे सिंगल फेस था, ओके। सो अभी हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमको नाइफ टूल यूज़ करना है, तो मैं अब शॉर्टकट की यूज़ करूँगा के, ठीक है। तो जैसे ही, अगर मैं, आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ, तो ये कट कर दे रहा है तुरंत, देखिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो मेरे साथ, ये जो साथ में चल रहा है, जैसे ही मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ, तो ये जो साथ में आ रहा है, हमको ये साथ में नीचे, हमें कहीं दूसरी जगह से दोबारा एक नया कट स्टार्ट करना है, ओके। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ई प्रेस करना होगा, उसके बाद आप कहीं और से भी कट स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। जब आपको लगे कि आपके कट पूरे हो गए हैं, सारा सब कुछ बन गया है, तो उसके बाद आप एंटर दबाइए। अगर आप एंटर नहीं दबाओगे तो ये कट्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो पहली चीज़ तो ये होगी कि हम नाइफ टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे यहाँ पे इसकी शॉर्टकट्स भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा, ओके। उसके बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, एक है ऑक्लूटेड ज्योमेट्री और एक ऑनली सिलेक्टेड। सो ये दोनों कैसे काम करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
ओके एंड नाइफ टूर का एक और ऑप्शन होता है, अगर हम यहाँ जाएंगे मैश में, सो यहाँ हमको मिलेगा एक नाइफ प्रोजेक्शन, सो मैं ये भी आपको बताऊंगा हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके आई थिंक ये भी मैं इसी में बता दूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ओवरऑल पूरे नाइफ का टूल का। ठीक है गाइस, सो अभी हम जैसे बात करते हैं ओनली सिलेक्टेड का, सो अभी आप देख सकते हैं ये अगर जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए ये कुछ सिलेक्ट नहीं किया पर मैं नाइफ टूल पर गया और ये कहीं से भी कट कर दे रहा है, डजेंट मैटर कि वो कौन सा व्यू है, वो कौन सा फेस है, हमें वो कट करना है या नहीं करना, वो जस्ट एंटर मारोगे तो ये कट कर दे रहा है। पर जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ओनली सिलेक्टेड, सो फिर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट करके एक नया क्यूब ऐड करता हूँ और मान लीजिए मैंने अभी सिर्फ ये वाला फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया नाइफ टूल, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया ओनली सिलेक्टेड। तो जैसे ही मैंने ओनली सिलेक्टेड पर क्लिक किया, अब क्या होगा कि मान लो ये हमारा सिलेक्शन एरिया है, अब मैं यहाँ का नाइफ टूल चलाऊंगा यहाँ नहीं चलेगा, सिर्फ जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है वहीं चलेगा। और ये कभी कभी मान लीजिए आपको मॉडलिंग में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ पर्टिकुलर स्पेस को कट करना होता है और क्योंकि इसका स्नैपिंग काफ़ी अच्छा है तो ये नियरिस्टिक वॉर्टेक्स को पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उस टाइम क्या होता है कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर शेप्स को फेसेस को ही हमें कट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये टूल होता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है। आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो सिलेक्टेड है सिर्फ वहीं पर कट कर रहा है, अदरवाइज़ ये यहाँ नहीं कर रहा। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी इसने नहीं किया, सिर्फ यहाँ देखिए यहाँ ये कर रहा है सिर्फ। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखिए सिर्फ इसने यहाँ यहाँ कट किया है, ठीक है, तो ओनली सिलेक्टेड आप समझ गए। अब मैं इसको फिलहाल करे तो ऑफ कर देता हूँ। ओके तो अब हम बात करते हैं ऑक्लूटेड ज्योमेट्री। सो ऑक्लूटेड ज्योमेट्री क्या होता है, अगर मान लो मैंने इसे ऑफ किया तो हम इसके सी थ्रू इसको काट सकते हैं, सी थ्रू जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये काटा और देन एंटर किया तो अभी इसने क्या किया, यहाँ भी काट दिया और देन पीछे जो इसके शेप मारा था उसने वो भी काट दिया। मींस ये अभी जो हमारा क्या हो रहा था, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो सिर्फ ये इस फेस को कट कर रहा था, जो पीछे क्या कट है वो उसने नहीं वो नहीं ले रहा था, वो सिर्फ जो फ्रंट फेस हमें दिख रहा था सिर्फ उसे कट रहा था। अगर मान लो आपको दोनों शेप साथ में काटनी है, जैसे इन द सेंस अगर मैं इसको डिलीट करूँ और एक दोबारा से एक ऐड करूँ नया, और मैंने फ्रंट व्यू में गया और मैंने ऑक्लूडेड को ऑन कर दिया, मान लो मुझे एक शेप चाहिए कुछ ऐसी कटिंग की, एक मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ लिया, मान लो कुछ ऐसी चाहिए हमें, तो अभी मुझे एक साइड नहीं मुझे दोनों साइड चाहिए थी, तो अब क्या ये यहाँ तो आई आई ये यहाँ भी ऑटोमेटिक बन गई, ठीक है। और विदाउट ऑक्लूडेड क्या हो रहा था कि मान लो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो अब मैंने को कुछ कुछ शेप सिर्फ यहीं यहीं पर चाहिए, मान लो मुझे एक शेप शेप ऐसी काइंड ऑफ शेप यहीं पर चाहिए, तो अब ये शेप यहीं पर शेप बनाएगा रेदर कि वो पीछे नहीं बनाएगा, ठीक है। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे हम नाइफ टूल पर क्लिक करते हैं और नाइफ टूल हम यूज़ करने लगते हैं तो यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स दिखाता है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये मिड पॉइंट की स्नैपिंग ऑफ करनी है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज कट आपको अगर बंद करना है तो वो उसके लिए ई था, ओके, एंड न्यू कट के लिए भी। उसके बाद जैसे यहाँ दिखा रहा है एंगल कंस्ट्रेंट, तो उसके लिए हम सी दबाएंगे। एंगल कंस्ट्रेंट मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ ये एक बनाया और मैंने उसको सी दबाया, ठीक है, अब ये क्या है सिर्फ एंगल वाइज ले रहा है, देखो कुछ पर्टिकुलर एंगल पर लेगा ये, जैसे 90 डिग्री पे काट रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो कभी कभी ये बहुत यूज़फुल होता है, जैसे मान लो मैंने सी दबाया और उसके बाद मैंने को एक 45 डिग्री एंगल पर चाहिए तो इसने ये काटा, तो ये सिर्फ एंगल स्नैप कर रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ठीक है, तो ये होता है। अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। फिर है जी फॉर सी थ्रू, जो कि सेम चीज़ ऑक्लूडेड ज्योमेट्री करता है, अगर मैं जी दबा दूँ तो ये सी थ्रू काटेगा, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था सेम चीज़ वही है, ठीक है, तो फिलहाल इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है जी। ये बात हो गई नाइफ टूल के बारे में जो काफ़ी यूज़फुल है और आगे हम इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले इसमें, ठीक है। और अब कुछ अच्छे हम मॉडलिंग के प्रॉप्स से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से कि हम कैसे बना सकते हैं, कितने इजी तरीके से उसे हम बना सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। सो हाँ, अब हम बात करते हैं दूसरे टूल की, ये है बाइसेट। सो बाइसेट कैसे यूज़ होता है मैं आपको अब दिखाता हूँ। उसके लिए हम लेते हैं कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट, सो जैसे मान लिया हमने ले लिया मंकी, सो मंकी लिया हमने, ठीक है, इसको सुजैन कहते हैं, सुजैन देखो यहाँ इसका नाम भी लिखा रहा है सुजैन, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, एक मंकी था, ठीक है ना,
इसको भी हम बताएंगे जब हम ऐड मेन्यू में जाएंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे शुजाइन के बारे में। अगर आपको पढ़ना तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं शुजाइन के बारे में, ब्लेंडर का क्या। जैसे अगर आप 3DX Max यूज़ करते हैं तो उसमें एक टी पॉट होता है, ठीक है। सो वो उसका एक डिफ़ॉल्ट है, मतलब जब भी आप देखोगे तो वो डिफ़ॉल्ट उसका एक फेमस मतलब बन गया है। तो वैसे ही ब्लेंडर का सुजैन मतलब ये मंकी काफ़ी फेमस प्रिमिटिव है आप कह सकते हैं इसे। बाकी इसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा, आपको और अच्छा सी नॉलेज मिलेगी एग्जैक्टली ये क्या है। वैसे तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि काफ़ी फेमस चीज़ है ये। ओके सो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सब डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा फेसेस मिल जाएँ। सो मेरे पास भी कुछ ज़्यादा फेसेस हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बाइसेट ऑन किया तो मेक श्योर कि ये एज और वर्टेक्स पे ही काम करता है, ठीक है। तो आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। उसके बाद मैंने जैसे ये वर्टेक्स स्टार्ट किया सो ये तो सिर्फ नॉर्मल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमारा नाइफ टूल करता था। तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि हमारे पास एक गिज़्मो आ जाता है यहाँ पे, आप देखिए। इससे हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, इवन हम उसको रोटेट कर सकते हैं इसके सिलेक्शन को। अगर मैं यहाँ पे हूँ, आई डोंट नो ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है ये देखिए। तो हम इसको हम पर्टिकुलर एरिया पे रोटेट कर सकते हैं। मान लो जैसे मेरे को ये इतना एरिया काटना है, ठीक है। ओके और उसके बाद फिर मैंने इसे एंटर किया। तो जब मैंने इसे एंटर किया, हाँ जब मैंने इसे एंटर किया तो इसने कट दिया। ओके इसने इसको काट दिया बट इसमें कुछ अभी डिफरेंस लगा नहीं, इसने सिर्फ खाली कट किया। तो बाइसेट के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं यूज़ करने के। तो एक नॉर्मल तरीका था, तो जैसे मान लो मैंने इसको बाइसेट किया, इसको मैं जेड करता हूँ। जैसे मैं बाइसेट पर गया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, फिल इनर और क्लियर आउट, ठीक है। क्लियर इनर एंड क्लियर आउट। तो मान लीजिए मैंने जैसे इसमें क्लियर इन कर दिया, तो जैसे मैं इसको काटा तो आप देखिए यहाँ पर ये क्लियर इन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका सेम यहाँ पर पिरामिड खुल जाता है। तो मैं इसको फिल करूँगा तो यहाँ पर ये फिल हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है कभी कभी, ये तब फिल करता है। जैसे मान लो इसने यहाँ जाकर कुछ फिल किया, ठीक है। अगर हम इसे फिल को हटा देंगे तो ये फिल नहीं करेगा। तो सेम इसमें यह है कि अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आउटर को काटेगा, इनर रहने देगा, ठीक है। और अगर हम तीनों को हटा देंगे तो हमारे पास ये रहेगा। अगर हम तीनों ऑन कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक मिडल का ये फेस रह जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ होता है और वैसे तो मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है ये, ठीक है। पर हाँ ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ थ्रेशोल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टेक्स मोड पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये एक्सिस थ्रेशोल्ड है। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, बेसिकली जो भी इसका नियरेस्ट वर्टेक्स होगा इसको ये मर्ज करते चले जाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूँगा, देखिए देख रहे हो ना आप, तो जैसे मैं इसको कम करूँगा ये एकदम शार्प हो जाएगा। सो बेसिकली ये यूज़ होता है बाइसेट का। ओके तो आई थिंक ये भी आप सही से समझ गए होंगे। बाकी आप यूज़ करिए इनको, थोड़ा इस्तेमाल करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नाइफ प्रोजेक्शन की। तो नाइफ प्रोजेक्शन के लिए सबसे पहले तो मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू में गया, सबसे पहले मैंने शिफ्ट ए किया और यहाँ टेक्स्ट में जाके मैंने यहाँ पर टैब दबाया और मैंने यहाँ पर लिखा ब्लेंडर, ठीक है। और फिर मैंने टैब दबा के मैं बाहर आ गया। ओके देन उसके बाद मैंने एक सिलेंडर बनाया कुछ ऐसे। ओके और इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं ताकि हम इसको इसके फ्रंट में रख सकें कुछ ऐसे। फ्रंट में गए और थोड़ा सा मैंने इसे स्केल किया और मैंने इसे यहाँ कहीं रख दिया। सो नाइफ प्रोजेक्शन में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो ऑब्जेक्ट को हमें नाइफ प्रोजेक्शन करना है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, जिसे हमें करवाना है वो हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमें इस पे प्रोजेक्ट करवाना, तो पहले हम ये पकड़ेंगे उसके बाद हम शिफ्ट के साथ ये फिर दोनों में टैप करेंगे। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एडिट मोड में। एडिट मोड में पहुँचने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मैं गया मैश के अंदर, सो यहाँ पर आता है नाइफ प्रोजेक्शन। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और ये कट सी थ्रू वही है जैसे मैंने उसमें किया था। तो इसके आर पार भी अगर तुम्हें सेम ये ब्लेंडर यहाँ लिखा हुआ चाहिए तो यहाँ भी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल चूज़ कर रखा है। तो मैं दोबारा फ्रंट एंगल में जाता हूँ इसके लिए। तो अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये
यहाँ कहीं एंगल से ले लेगा, आई डोंट नो इसने क्यों नहीं लिया वैसे, पर लेना तो चाहिए था वैसे। देखो हाँ ये ले लिया, तो इसको आप ऐसे रखेंगे तो ये दोनों साइड दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसे हटा दूँ तो इसे फ्रंट फ्रंट में आएगा कुछ ऐसे, या ठीक है। आई थिंक कुछ इशू आ गया इसके साथ, कुछ कुछ बग्स हैं ब्लेंडर में जो अभी सही करने हैं इनको, पर ठीक है काफ़ी यूज़फुल है वैसे ही। तो मैंने किया, उसके बाद हम इसको टैप दबाएंगे बाहर आ जाएंगे। तो अभी आप करेंगे तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो जब हम इसमें टैप दबाएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा ये। उसके बाद इसे हम ऑल्ट ई करके एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल, ऐसे ऐसे यूं करके हम कुछ भी इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन वाला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक से बेसिक एग्जांपल बताया, जब इसमें हम अच्छा अच्छा से अच्छे प्रोजेक्शन करेंगे, जैसे मान लें कहीं पर कुछ, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं और वो हमें मॉडलिंग करने में थोड़ा इशू देती हैं, तो हम प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे हम करेंगे तो हमें आते रहेगा, तो हम उसके बारे में और बात करते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। सो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक है अगली वीडियो आएगी सैटरडे को, दिस इज़ पक्का है, ठीक है। अब मैं थोड़ा वीडियोस टाइम टू टाइम डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आई थिंक जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा आएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालूँ, ठीक है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, एंड ध्यान रखिए अपना, स्टे होम, बाय बाय।